सिक्स एपिसोड शुरू होता है। सनी मिडिल ईस्ट जाके मंसूर से मिलता है और टास्क फोर्स में अपना एक खबरी मिल गया है। वहाँ जो भी हो रहा होगा हमें पहले ही पता चलेगा और अपना परसेंटेज का बात करता है। दोनों में 15% पे डील डन हो जाता है। माइकल ने बिलाल को सेफ हाउस रखा होता है। वहाँ जाके उसकी खबरी से जो बात हुई है वो पूछता है। बिलाल बताता है इस बार रूट चेंज करके बर्मा के रास्ते 12,000 करोड़ का शिपमेंट आने वाला है। सनी और मेगा लंच के लिए मिलते हैं। वहाँ अनन्या भी आती है और उसे लगता है कि सनी को नई गर्लफ्रेंड मिली है। अपनी जान पहचान नेहा से करा के वहाँ से चले जाती है। मेगा को 1 घंटे में टीम मीटिंग है ये मैसेज आता है। वो मैसेज सनी भी अपने मोबाइल पे देख लेता है। माइकल टीम को नए कंसाइनमेंट के बारे में बताता है कि 12,000 करोड़ का नकली नोट आने वाला है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा, लगभग 60 टन का होगा। तो सभी चेक पोस्ट पे हमें चौकन्ना रहना होगा और हर कस्टम को भी अलर्ट कर दो बोलता है। दोनों तरफ चूहा बिल्ली का खेल चल रहा होता है। सनी जो प्लान करता है वो बिलाल के खबरी से माइकल को पता चलता है और मेघा का मोबाइल से सनी को पता चलता है कि वो उसी रूट पे सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सनी और माइकल को शक होता है अपने टीम में कोई खबरी है। तो सनी और मंसूर दोनों मिलके आगे से जो भी रूट होगा वो 3-4 लोगों में ही हम बात रखेंगे जिन पे हमारे पूरा भरोसा है। माइकल सभी टीम मेंबर्स का फोन चेक करवाता है। तब उसे मेघा और सनी के चैट पे शक होता है और पूछता है संदीप कौन है। मेघा उसे अपना दोस्त बता के अपना फोन वापस ले लेती है। इंडियन बॉर्डर से छोटी छोटी कंसाइनमेंट में नकली नोट पकड़े जा रहे होते हैं बट वो सब पुराने नोट होते हैं। उससे मेगा को शक होता है ये सब जानबूझकर हमें पकड़वा रहे हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मंसूर और सनी नया प्लान बनाते हैं। जिस रूट से अभी तक कभी माल नहीं आया था सनी गुजरात के एक जहाज बनाने वाले से सौदा करता है। एक रशियन जहाज भंगार में टूटने के लिए गुजरात आने वाला है, उस पे माल लाया जाएगा। सनी और फिरोज ओमन जाते हैं और $80,000 में ताल नाम के एक रशियन बंदे से वो जहाज खरीद लेते हैं। सारा कंसाइनमेंट लोड करके जहाज के साथ ही दोनों निकलते हैं। रात में फुल पार्टी करके सो जाते हैं। सुबह उठते ही सनी को कॉल आता है अलंग पोर्ट पे जहाज नहीं ला सकते, वहाँ पुलिस का चेकिंग चालू है। तो सनी को कोई और पोर्ट पे जहाज ले जाने के लिए बोल दिया जाता है। सनी जहाज के कैप्टन ताल को अलंग जाना कैंसिल करने बोलता है और वापस ओमन चलने के लिए बोलता है बट जहाज वापस नहीं जा सकता, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और जहाज डूब जाएगा। ताल खुद ही दूसरा एक रास्ता सजेस्ट करता है बट पैसा डबल लगेगा बोलता है। सारे कंटेनर पे GPS लगा के समुन्दर के अंदर डाल देते हैं और सब लोग उस जहाज से निकलकर छोटी सी बोट में बैठ के चले जाते हैं और वो जहाज मुंबई के एक बीच पे जाके अटक जाता है। जहाज की न्यूज माइकल देखता है और शिप के पास जाता है बट कोस्ट गार्ड के चेक करने पे कुछ भी नहीं मिलता है, ये स्क्रैप शिप है बोल के वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। रात में सनी दूसरा एक जहाज लेके जाता है जहाँ कंटेनर फेंके होते हैं। वहाँ जाके कंटेनर वहाँ से उठवाता है और एक छोटे से जेट्टी पे जाके वहाँ से ट्रक में लोड करके गोडाउन में लेके आके कंटेनर रख देता है। सनी और फिरोज उस पैसे पे बैठ के जोर जोर से हंस रहे होते हैं और एपिसोड वहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।